हेलो एवरीवन, दिस इज मी शवाल खान। आई होप यू विल बी फाइन। सो गाइस, आपने पहला पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा माय स्टोरी का पहला पार्ट, तो पहला पार्ट जाकर देख लो, क्योंकि फिर ही आपको मजा आएगा ये वाला पार्ट देखने का। सो इस पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि जब हमने फ्लाई किया जर्मनी के लिए तो कैसा सीन था। तो फैमिली हमें छोड़ने आई एयरपोर्ट पे, थोड़ा सा इमोशनल सीन भी था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि सब खुश थे कि यार कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ अलग से करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली में मेरे चाचू तो यहाँ पे रहते थे, वो बहुत पहले आए थे जर्मनी, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद वाहिद बंदा मैं था कि जो पाकिस्तान से जर्मनी आ रहा था स्टडी के लिए। तो जो मैं स्टडी के लिए आया, तो ये सारा प्रोसेस वगैरह, इसमें मेरे चाचू का या किसी का कोई रोल नहीं था। ये सारा मेरा और मेरी जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स और बहन भाई, इनका कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने रास्ता दिखाया, इन्होंने गाइडलाइंस दी, इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने सारा कुछ किया, तो फिर मैं यहाँ पर आया। तो लोगों को अगर ये लगे कि यार इसके चाचू भाई रहते थे, उन्होंने बुला लिया, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट यार, जो बाहर रिश्तेदार होते हैं ना, वो आपके रिश्तेदार नहीं होते हैं यार। मतलब रिश्ते सारे एहसास के होते हैं। तो अगर कोई अजनबी भी एहसास करे ना आपका भाई, तो वही आपका रिश्तेदार होता है। तो बात यह है यार सारी मुद्दे की, कि हमारे चाचू ने हमारा वो नहीं किया था कोई भी प्रोसेस, वो सारा हमने खुद किया था, हम खुद आए थे। आप भी आ सकते हैं, आपको किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त की, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से सारा प्रोसेस करके, खुद से सारी चीज़ों को करके जर्मनी आ सकते हो। तो मैं आया था अपने एक दोस्त के साथ जर्मनी, जो कि फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर ही मिला था। उसने भी इल्मनाउ ही आना था, उसका भी सेम कोर्स था और मेरा भी सेम कोर्स था, तो हम जर्मनी आ गए। सो क्या सीन हुआ, जब जर्मनी आए तो एयरपोर्ट से हम लोग, जब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से इल्मनाउ के ट्रेन में आए, तो भूख से बुरा हाल हुआ पड़ा भाई साहब हमारा। हम तो मुहाजरीन ही हो गए, जिस तरह मुहाजिर लोग आते हैं ना यार, कि सब कुछ लुटा उठा के। लेकिन हमारे पास हमारा सामान था, खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी। अब समझ ना आए कि यार क्या चीज़ लें, तो तब चाचू को कॉल के भाई क्या चीज़ खा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आई, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी दुकानदार से कि यार क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है। तो हमने पेप्सी खरीदी और उसके अलावा कोई डोनट्स वोनट लिए, और हम लोग यहाँ पर आ गए। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक हमें बड़ी साइन हुआ था, वो भाई हमें लेने आ गया। हम फिर टिल्मनाउ आ गए। टिल्मनाउ आए तो इंतहाई थके हुए सो गए, रात को खाना खा के। बाहर से हमने यहाँ से दुरम लिया, वो खाया, सो गए। सुबह जब उठे तो एक नई कामयाबी वाली और बहुत ही शानदार सुबह थी। मैंने विंडो से पर्दा को यूँ हटाया, और जैसे नवाबी अंदाज होता है, तो हमने वो देखा पहाड़ हमारे इर्द गिर्द, जैसे हम किसी जन्नत का मज़ा ले रहे हों। और सफाई सुथराई, हवा इतनी साफ और खुशबूदार, और उसके अलावा जो आसमान था वो हमारा बहुत करीब है, क्योंकि इल्मनाउ सिटी थोड़ा सा ऊंचाई पे है, पहाड़ी इलाका है, तो बादल यहाँ पे बहुत ही नीचे होता है। तो देख के यार मैंने कहा यार ये तो बहुत ही मज़ेदार जगह है, और एक अलग से फील आई, एक सक्सेस वाली फील आई। हम भी चौड़े हो गए, फिर हमने थोड़ा सा घूमा वूमा। तो उसके बाद खैर हमने उस दिन तो इन्जॉय किया फर्स्ट डे, फिर उसके बाद इन्होंने हमें क्वारंटाइन करवा दिया 14 डेज़ का। वो क्वारंटाइन हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमारी स्टडी स्टार्ट हो गई। फिर हमने यहाँ पर 3-4 माह के बाद और जॉब्स वगैरह स्टार्ट की स्टार्ट के अंदर, और हमने उनका भी एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे खाने का सबसे ज़्यादा इशू था जब हम आए, तो हमने यहाँ पे पहले हम 3 लोग थे, हमने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया, और हम मिलकर बनाते थे। बाद में जब जॉब्स वगैरह स्टार्ट की, वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो घर के खाने की याद आई या नहीं, बहुत आई। बहुत हांडियाँ यहाँ पर जलाई हमने, और इसके अलावा यहाँ पर जब रोटी बनाते थे, तब फील आता था कि यार अम्मी जो रोटी बनाती थी ना, वो बहुत मज़े की थी। अम्मी के हाथ का खाना तब याद आया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब प्लेट मैंने धोई ना, फर्स्ट प्लेट जिस दिन मैंने धोई, उस दिन आँख में आंसू आया, अबे ये क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि इस तरह वाला वो सीन नहीं था, कभी घर में प्लेट नहीं धोई थी। अम्मी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा हमेशा, और कभी ना तो बर्तन धोने दिया कोई, ना कभी पानी खुद पीने दिया, ना कभी मतलब मैं वो बंदा था जो घर के अंदर 5 मिनट अगर रोटी पकी रह जाती थी, तो मैं कहता था कि दोबारा रोटी आएगी बनेगी तो वही खाऊंगा, अदरवाइज नहीं खाऊंगा। और सालन, अगर सब्जियाँ मुझे पसंद नहीं है, तो सब्जियों में क्या सीन होता था कि अगर सब्ज़ी मेरी बिल्कुल ही ना पसंद है मुझे, तो उसमें फिर यही सीन होता था, या तो दोबारा खाना बनेगा घर में, या फिर मैं बाहर से खाऊंगा। तो इस तरह वाला सीन होता था। तो मैं इस टाइप का बंदा था जो जब जर्मनी आया, तो जो हांडी फिर कभी जली हुई भी खा रहा है, जो बन गई है, भूख लगी हुई है, तो भाई अब क्या करें। और शुरू में तो मुझसे हर खाना ही जल जाता था जब मैं बनाता था।
तो इस तरह वाले सीन होते थे, नया एक्सपीरियंस होता था। तो मैं तब सोचता था यार लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है, इतनी मुश्किल से खाना बनाती हैं। लेकिन अब इतना यूज्ड टू हो गया हूँ कि अब मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। यहाँ पे रोटी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, आटा गूंदने वाली मैंने मशीन ले ली है, चीज़ों को मैंने आसान कर लिया, अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया। जर्मनी जब मैं आया तो यहाँ पर आके जब लोगों का रिस्पॉन्स मिला, मैंने जैसे एक जगह चेंज की थी, एक प्लेस से मैं दूसरी प्लेस पर आया था। इसमें कोई कामयाबी नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की, मेरी फैमिली ने स्ट्रगल की। मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाया, मुझे गाइडेंस दी, जो जो वो बोलते गए मैं स्टेप बाय स्टेप करता गया, इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि यार एक पर्सन अगर एक जगह से पाकिस्तान से निकल के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जर्मनी, कहीं भी आ गया ना, यूरोप के किसी भी कंट्री में, जर्मनी और व्हाटएवर, वो कामयाब हो गया। लोगों का जो रिस्पॉन्स आया, मतलब इट वॉज माइंड ब्लोइंग। वो लोग जो हमसे नाराज हैं, वो लोग जिनसे मतलब हमारी नहीं बनती, उन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उन लोगों की कॉल्स आ रही हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, जो जिनका मुझे लगता था कि ये लोग तो मुझे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करेंगे, कभी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी लड़ाई हुई है, हमारी कभी बात नहीं होगी। एक एक पर्सन का किसी ना किसी अंदाज के साथ विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स कॉन्टैक्ट हुआ मेरे साथ, और हर बंदे ने मुबारकबाद दी। तो तब मेरे जहन में वो एक बात आई कि यार जो नाकामी होती है ना, उसका कोई वारिस नहीं होता, वो यतीम होती है, और जो कामयाबी होती है ना, उसके बहुत ज़्यादा वारिस निकल आते हैं, जैसे बरसात के मौसम में मेंढक निकल आते हैं। तो इस तरह वाला सीन होता है। तो लाइफ फिर पता चली कि यार मतलब ज़िंदगी किस तरह की है, मतलब लोग किस तरह बदलते हैं। मैं नहीं कहता मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अपना 20 या 25% ही दिया होगा। मैंने कभी कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं किया, मैंने कभी बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अपना वो जो हमें पता है ना पोटेंशियल लगता है, उसको यूज़ नहीं किया। अब करेंगे आने वाले वक्तों में, और जब करेंगे तो फिर पता भी चलेगा कि इतिहास लिखने जा रहे हैं हम। सो दिस इज़ द फनी पार्ट। सो क्या हुआ कि यार फिर हम लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का माहौल इन्जॉय किया, देखा एक नया माहौल। लेकिन यहाँ पे इल्मिनाओ सिटी के अंदर देसी बहुत ज़्यादा थे, उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब मैं यहाँ पे देसियों के साथ दोस्तियाँ करने तो नहीं आया, देसी लोगों के साथ तो उठने बैठने नहीं आया, मैं तो डाइवर्स माहौल में पढ़ने आया हूँ, जहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग होते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इल्मिनाओ सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा देसी थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि शुरू के अंदर ही बहुत ज़्यादा दोस्ती बन गई, बहुत ज़्यादा शुरू के अंदर ही दिल लग गया हमारा यहाँ पे, हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि हम जर्मनी आए हुए हैं। और फिर टाइम गुजरता गया, फिर मैंने अपना डिग्री प्रोग्राम भी चेंज किया, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जॉब्स वगैरह की, अपना जो ब्लॉग अकाउंट लेकर आया हुआ था मैं साथ, मैंने वो अपना एज इट इज़ अपने घर वालों को दे दिया। फिर 1 साल हो गया हमें यहाँ पर, हमने अपना ब्लॉग अकाउंट तो रिटर्न कर ही दिया हुआ था घर वालों को वापस। उसके बाद क्या सीन हुआ, हम चले गए प्रॉफिट में। सो हमने फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह स्टार्ट की, ज़िंदगी को थोड़ा सा करीब से देखना स्टार्ट किया। जब जेब में पैसा होता है तो क्रिएटिविटी खुद ही आना स्टार्ट हो जाती है, आपको अकल भी आना स्टार्ट हो जाती है, लोग आपको सुनना भी पसंद करते हैं, फिर आपकी बात की इंपॉर्टेंस भी हो जाती है। तो इस तरह का लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ। तो उसमें मैंने देखा कि यार अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब आप खुद कमाते हो और आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हो, तो जो उस चीज़ का मज़ा है ना, वो दुनिया में किसी भी चीज़ का नहीं है। तो वो एक अलग से फ्रीडम दे देता है आपको, बोलने की, बात करने की, अपनी बात मनवाने की, अपनी बात किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की, हर चीज़ की फ्रीडम दे देता है। सो इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इन्होंने मतलब मुझे कभी इस तरह से फील नहीं होने दिया। जब मैं डिपेंडेंट भी था, मैं तब भी अपनी मर्ज़ी की बात कर सकता था, और कभी किसी ने रोका नहीं है, टोका नहीं है कुछ भी करने से, कुछ भी बात करने से, कुछ भी डिसीजन लेने से। बस सबने सपोर्ट किया कि कुछ भी करना है बस कर लो, मतलब वेला ना बैठ, बस कुछ भी करना है जो तुझे, वो तू कर ले। सो इस तरह की लाइफ थी। सपोर्टिव फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हो। सो इस तरह से फिर हम यहाँ पर अब अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, जॉब्स भी कर रहे होते हैं, स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं, और गेट टुगेदर भी होता है हमारा, और सारा मामला बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई जर्मनी दूर नहीं है अगर आपकी जेब में पैसा है। आप 500, 600, 700 यूरो का टिकट आता है, जब मर्जी कटवाएं और पाकिस्तान वापस जाएं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर
स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं यार, हम पता नहीं किधर जा रहे हैं, तो इस तरह वाला कोई सीन नहीं होता, लाइफ चिल है, रिलैक्स्ड है। और मेरी फैमिली वीडियोस देखती है मेरी, आप लोग जो भी देख रहे हैं, तो आप लोग अगर पाकिस्तान में नाकाम हैं, आपको लगता है कि यार आपसे कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही, तो जर्मनी या कोई भी बाहर का कंट्री अगर आपको अच्छा एडमिशन देता है, स्टडीज़ आपको फ्री देता है, कोई स्कॉलरशिप देता है, तो बिल्कुल भी ना डरें, चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, बस आपका एक डर होता है जिससे आपको गुजरना होता है। सो मैंने वो डर जो था उसको पीछे छोड़ा, और बस मेरा इतना सही है कि मैंने उस डर पे ओवरकम किया और मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आकर अब एक अच्छी मज़ेदार, एक खुशगवार लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ द लाइफ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि यार स्टूडेंट्स इसी तरह से होते हैं, तो ये स्टूडेंट लाइफ होती है जो आपको आने वाली वीडियोस में भी दिखाता रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको करते हैं इधर बंद, बातें आपसे होती रहेंगी आने वाली वीडियोज़ में, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।